तो दोस्तों ये वीडियो हमारा साइंस से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग जानेंगे विभिन्न प्रकार के कुल मीन्स फैमिली के बारे में और उनसे रिलेटेड पौधों के बारे में। ठीक है, उनसे रिलेटेड पौधों के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन जो है ना वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोगों का 1 से 2 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, 1 से 2 नंबर आप लोगों का पक्का होने वाला है। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा इससे रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में और रिपीट होते रहते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं मुकेश चौधरी आपका आपके अपने चैनल मिकी क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कई सारे कुल दिए गए हैं। ठीक है, और उनसे संबंधित जो पौधे आते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो जो पहला कुल है दोस्तों वो आता है दोस्तों क्रूसी फेरी। ठीक है, क्रूसी फेरी में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों मूली हो गया, शलजम हो गया और सरसों, ये क्रूसी क्रूसी फेरी कुल के ये पौधे हैं। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों जो कुल है वो मालवेसी है। मालवेसी में दोस्तों आता है आप लोगों का कपास, भिंडी और गुड़हल। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? कपास, भिंडी और गुड़हल, ये मालवेसी कुल में आते हैं। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट है तीसरा नंबर वो है दोस्तों लेग्विनेशी। ठीक है, लेग्विनेशी में क्या आता है दोस्तों? बबूल आता है, छुईमुई आता है, कत्था आता है, गुलमोहर आता है, सभी और जो सभी दलहन फसल होते हैं ना, सभी जितने भी दलहन फसल होते हैं वो सारे लेग्विनेशी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बबूल हो गया, छुईमुई हो गया, कत्था हो गया, गुलमोहर हो गया और सभी दलहन फसल। ठीक है, तो ये लेग्विनेशी में आते हैं। ओके, उसके बाद से देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट कुल। कंपोजिट कुल में क्या आता है दोस्तों? तो इसमें आता है सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा और डहेलिया। क्या क्या आता है? सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा और डहेलिया। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट है दोस्तों कुल वो है दोस्तों रूटेसी। रूटेसी में आता है दोस्तों आप लोगों का नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्मी। क्या आता है? नींबू, चकोतरा, संतरा और मौसम्मी। वैसे तो दोस्तों कई सारे पौधे आते हैं इन सारे कुल में, लेकिन हमने वही सिलेक्ट किया है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वही सारे हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का कुकुरबिटेशी। ठीक है, कुकुरबिटेशी कुल जो है इसमें दोस्तों जो पौधा आता है वो है दोस्तों तरबूज, उसके बाद से खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी और ये परवल, करेला। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के कुकुरबिटेसी में, कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है आप लोगों का सोलेनेशी। सोलेनेशी कुल में क्या आता है दोस्तों? आलू आता है, मिर्च आता है, बैगन आता है, मकोए आता है, धतूरा आता है, बेलाडोना और टमाटर। ठीक है, ये सारे जितने भी पौधे हैं ये दोस्तों सोलेनेशी फैमिली में आते हैं। ठीक है, ये किस में आते हैं? सोलेनेशी में आते हैं। उसके बाद से जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है रोजेसी। रोजेसी में आप लोगों का आता है स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। ठीक है, क्या क्या आता है? स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती, ये रोजेसी कुल में आता है। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है लिलियेसी। जो नेक्स्ट फैमिली है कुल है वो है लिलियेसी। इसमें दोस्तों लहसुन आता है और प्याज आता है। क्या क्या आता है? लहसुन और प्याज, ये दो इम्पॉर्टेंट दोस्तों हमने इसीलिए दो इसमें लिया है जो पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। ठीक है, और वैसे तो लिलियेसी में कई सारे प्लांट्स आते हैं, लेकिन हमने दो ही सिलेक्ट किया है जो कि इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कुल है दोस्तों वो है पालमी। पालमी में आता है दोस्तों सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। ठीक है, कितने आते हैं? सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये 4 इंपॉर्टेंट है जो कि पालमी कुल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट है दोस्तों कुल वो है ग्रेमिनेशी। ग्रेमिनेशी में क्या क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, ज्वार, चावल, बाजरा, जौ और जई। ठीक है, ये सारे ग्रेमिनेशी कुल में आते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स है जो ग्रेमिनेशी में आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसी को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्रूसीफेरी में आता है दोस्तों मूली, सलजम, सरसों और मालवेशी में आता है कपास, भिंडी, गुड़हल। उसके बाद लेग्विनेशी में आता है बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, सभी दलहन फसलें, जितने भी दलहन फसलें होती हैं वो लेग्विनेशी में आते हैं। फोर्थ था कंपोजिट। कंपोजिट में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा और डहेलिया आता है। उसके बाद से नेक्स्ट कुल था तो रूटेसी। रूटेसी में नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्मी आता है दोस्तों। उसके बाद से नेक्स्ट कुल था कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में आता है तरबूजा, खरबूजा, तरबूज सॉरी तरबूज, खरबूजा, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल और करेला। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट कुल है दोस्तों सोलेनेशी। सोलेनेशी में आता है आलू, मिर्च, बैगन, मकोए, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर। नेक्स्ट है दोस्तों रोजेसी। रोजेसी कुल में आता है आप लोगों का स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों लिलियेसी कुल, जिसमें आता है लहसुन और प्याज, ये दो इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो कि लिलियेसी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों पालमी। पालमी में आता है सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर,
ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो फैमिली है दोस्तों, लास्ट इस वीडियो का जो लास्ट फैमिली है वो है दोस्तों गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, ज्वार, चावल, बाजरा, जौ, जई, ठीक है। ये सारे हमारे ग्रैमिनेशी कुल में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? ग्रैमिनेशी कुल में आते हैं, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना विभिन्न प्रकार के कुल जो हमारे बॉटनी में विभिन्न प्रकार के कुल हैं वनस्पति विज्ञान में, और उनसे संबंधित जितने भी पौधे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल वाली आइकन है उसको हिट करना ना भूलें दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा जो भी बनाई जाने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।